हो रही है और इससे क्या दिक्कत परेशानी है और फसलों के लिए इस बारिश से क्या फायदा होगा? देखिए सर, ये बारिश तो सुबह से हो रही है और फसलों के सर ज़्यादा आलू का नुकसान है इससे। आलू ज़्यादा जो गेहूँ हो गए हैं इसमें बाली आ गई, अगर वो गिर गया तो खराब हो जाएगा। तीसरी बात है सरसों से ज़्यादा नुकसान आलू और सरसों का है। सब ज़्यादा आलू सड़ जाएगी क्योंकि पानी भर जाएगा, पानी निकलेगा नहीं। और दूसरी बात यह है जो गेहूँ बाढ़ गए हैं, बड़े हो गए हैं, इसमें फसल आ गई, वो गिर जाएगा तो जो है फिर सड़ने की उम्मीद ज़्यादा है उसकी बाली की। इसीलिए गेहूँ और सरसों आलू से ज़्यादा नुकसान। अच्छा, ठंड भी बड़ी है? हाँ, ठंड भी बड़ी है। आम जनजीवन किस तरह से प्रभावित हो रहा है? अब सर ये आम जनजीवन आप खुद ही देख रहे हैं, बारिश हो जाए जैकेट हम खुद पहन लिए आज दो रोज से, क्योंकि ठंडा बढ़ा हुआ है ना। अभी तक हम जैकेट भी नहीं पहने तो उतार दिए थे, जब से बारिश हुई है ठंडी बढ़ गई है। नाम बताओ अपना। हमारा नाम है अजय कुमार यादव। बारिश हो रही है और इस बारिश से किस तरह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, अस्त व्यस्त हुआ है, और इस बारिश से ठंड भी बढ़ी है और इसके अलावा फसलों के लिए कितना ये लाभदायक है या क्या इससे नुकसान होगा? फसलों के लिए बारिश बहुत लाभदायक है। थोड़ा सा दिक्कत सरसों के लिए हो सकती है, चने के लिए हो सकती है, इसलिए कोई पकने जा रहा है, लेकिन गेहूँ जो सबसे महत्वपूर्ण फसल है उसके लिए फायदेमंद है। इस बारिश से फसल अनाज मोटा होगा, अच्छा होगा, स्वस्थ होगा। और सबसे बड़ी बात, जो पेड़ पौधे हम आसपास देख रहे हैं इनको बारिश से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस बार गर्मी पहले पड़ना शुरू हो गई है और दूसरा जनजीवन तो थोड़ा बहुत ठंडा आने से लोगों ने राहत की सांस ली, जो गर्मी बढ़ गई थी इस वजह से बारिश अच्छी लग रही है। बारिश होनी भी चाहिए थोड़ी बहुत, जिससे किसानों ने, सबसे ज़्यादा किसान का डीजल इस समय इतना महंगा कि आम किसान फसलों की सिंचाई नहीं कर सकता है। ऐसे में इस बारिश का होना बहुत ज़रूरी है। फसलों के लिए, किसान के लिए लाभदायक है, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है।